अभी तक लगा हुआ है. ओके, सो सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन. तो हमने देखा सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स. नाउ विल फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है बहुत डिबेटेबल एलिमेंट है. इसको ना ही तो हम प्योर मेटल मान सकते हैं और ना ही हम प्योर नॉन मेटल मान सकते हैं. मेटल हम यहाँ पे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सारे एल्कली मेटल्स में हमको दिख रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन. ठीक है, तो इसकी भाई साहब सारे मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी हो गई. अब हम हैलोजन्स के साथ देखेंगे. ठीक है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी? ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज हैलोजन्स. हैलोजन्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं ये. ठीक है, ओके, सो ये पूरा जो ग्रुप है आपका, दिस इज बेसिकली हैलोजन्स. ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन्स हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस. जैसे समझ लो किसी को भी उठा लो, क्लोरीन का, क्लोरीन एक हैलोजन है, इसका कितना है 287, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. फ्लोरीन इसका कितना है भाई साहब 27. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7. तो कितना चाहिए इनको कॉन्फिगरेशन पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. हाइड्रोजन में इकलौता इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1. तो इसीलिए हाइड्रोजन और हैलोजन्स में सिमिलैरिटी हो गई, क्योंकि अपने ऑक्टेट या डबलेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की. और जितने भी हैलोजन्स हैं उतनी उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी भी भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन की है. ठीक है, सो बोथ हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो हैलोजन्स हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1, हीलियम का हो गया 2, 2, 7, नियॉन का हो गया 2, 8, 2, 8, 7, आर्गन का हो गया 2, 8, 8. ठीक है, तो हाइड्रोजन का देखो 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरा करना चाहिए तो उसको 2 होना चाहिए, मतलब उसको और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. यहाँ पे फ्लोरीन हो गया 2, 7, अगर उसको कंप्लीट करना है तो 2, 8 चाहिए. तो यहाँ पे भाई साहब नियॉन के साथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा. यहाँ पे 2, 8, 7 है, आर्गन के साथ 2, 8, 8, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की है. ठीक है, सो वी कैन से दैट एज हाइड्रोजन एज 1 इलेक्ट्रॉन लेस एज कंपेयर टू द हीलियम. हीलियम एक इनर्ट गैस है. इन इट्स वैलेंसी शेल सिमिलरली एफ हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लेस दैन दैट ऑफ नियॉन. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखोगे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को पूरा करने के लिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1. और साथ ही साथ जितने भी हैलोजन्स हैं उनको भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 1. दैट इज द रीजन इट्स अ सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर हैलोजन्स. नाउ इफ वी लुक एट वैलेंसी, ठीक है, लेट्स लुक एट वैलेंसी. बोथ हैव वैलेंसी ऑफ 1. वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू लूज टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू गेन टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बोथ हैव अ वैलेंसी ऑफ 1. सो दे टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो पोजिशन है वो बहुत डिबेटेबल है. डिबेटेबल है क्योंकि हाइड्रोजन भाई साहब एल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलैरिटी रखता है और हाइड्रोजन आपके हैलोजन्स या नॉन मेटल्स के साथ भी सिमिलैरिटी रखता है. सो हाइड्रोजन कैन नीदर बी प्लेस्ड अंडर प्रॉपर मेटल्स नॉर कैन इट बी कंपेयर्ड टू एब्सोल्यूट नॉन मेटल्स. ठीक है, सो देयर इज अ सिमिलैरिटी टू बोथ. ठीक है, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जितने भी आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट के, दे ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे सिंस द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, द एनोमलीज रिगार्डिंग सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिसअपीयर्स. तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भाई साहब कैसे उन्होंने अरेंज किया था, एटॉमिक मास से. अभी हमने कैसे अरेंज किया, वैसे एटॉमिक नंबर से. तो जो आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम्स आ रहा था बिकॉज ही हैज अरेंज्ड एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, दैट गेट्स कवर्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज हियर यू आर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, सो एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड निकल आर 27 and 28. देयरफॉर कोबाल्ट विल कम फर्स्ट ड्यू टू इट्स एटॉमिक नंबर एंड देन निकल अलॉन्ग विद
although its atomic mass is great, ठीक है, although its atomic mass is greater. तो आप देखो भाई साहब, higher atomic mass placed before lower atomic mass, higher atomic mass. तो ये वाला जो पहले scene चल रहा था, अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो cobalt का atomic mass nickel से ज़्यादा है, तो ideally Mendeleev के periodic table में ये पहले होना चाहिए था ये, लेकिन cobalt का atomic number nickel से less है, तो आपका cobalt और nickel की जो position है वो भाई साहब बराबर आ जाती है, ठीक है. सो कोबाल्ट हैज लोअर एटॉमिक नंबर, ऑल्दो इट हैज हायर एटॉमिक मास नंबर, बट इट्स एटॉमिक नंबर इज लोअर देन दैट ऑफ निकल. सो व्हेन वी प्लेस इट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वी आर जस्टिफाइंग इट्स पोजीशन, ठीक है, क्लियर है. देयरफॉर कोबाल्ट विल कम फर्स्ट ड्यू टू इट्स लोअर एटॉमिक नंबर एंड देन निकल, दो although its atomic mass is greater, क्योंकि निकल का atomic number higher है, ठीक है. So ये जो confusion हो रहा था Mendeleev के periodic table में, due to arrangement, due to atomic masses, increasing atomic masses, that gets sorted because here we are arranging the elements in increasing order of the atomic number, ठीक है. Elements are classified according to their electronic configuration into different blocks, ठीक है. Common name for important groups, ठीक है. तो आपका ये हो गया lanthanides और ये हो गया आपका acetonides, ठीक है, lanthanides and acetonides, ठीक है. ये हो गए भाई साहब आपके क्या, दीज आर ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स, ठीक है, ओके. ग्रुप वन ए एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स, ठीक है. इसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का आपने देखा भाई साहब मेटल के साथ भी सिमिलैरिटी है और नॉन मेटल के साथ भी सिमिलैरिटी है, ठीक है. तो हाइड्रोजन आपका एक एक्सेप्शन हो जाएगा, अदरवाइज दिस एंटायर ग्रुप इज नोन एज एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन हियर विल बी एन एक्सेप्शन. ये वाले हो जाएंगे आपके ग्रुप टू एलिमेंट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली अर्थ मेटल्स, दीज आर नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप टू ए एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है. Oxides of these metals are basic in nature and they are found in the earth's crust. Calcium हो गया, beryllium हो गया, magnesium हो गया, strontium हो गया, barium हो गया, rubidium हो गया, ठीक है. All these are basically alkaline earth metals. ये जो आपको 17 group वाले elements दिख रहे हैं, these are non-metals and these are known as halogens. So these are known as halogens. Group 7A elements are known as halogens. They are all sea salt generators. ये सारे के सारे भाई साहब जितने भी elements हैं, they generate sea salt. ठीक है, they generate sea salt generators. ठीक है, ये वाले जो आपके ग्रुप जीरो के एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज आर नोबल गैसेस, ठीक है. सो इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस, ठीक है, दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस, दे आर केमिकली इनएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, देखो अगर आप ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेसिकली, कि जैसे अगर आप नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका क्या हो जाएगा, कैसे इन पे करेगा एटॉमिक रेडियस भाई साहब, इस तरफ मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये आपका एक जिस्ट है. वंस यू गो थ्रू द एंटायर थिंग देन यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ओके. द प्रॉपर्टीज विच शो ग्रेजुअल वेरिएशन इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड एंड दे रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर आर कॉल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है. देखो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी, ठीक है. तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी रिपीट होगी, बोथ आर एल्कली मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी रिपीट होगी. वैसे ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी रिपीट होगी, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी रिपीट होगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर अबाउट हैलोजेंस, ठीक है, ओके. सो द प्रॉपर्टीज विच शो ग्रेजुअल वेरिएशन, तो जब इधर जाएंगे आप तो थोड़ा सा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड एंड दे रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, दीज आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद से फिर से वही, सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद फिर से वही, सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद फिर से वही. तो ये जो एलिमेंट्स सजा रहे हो आप, इनमें भाई साहब पीरियोडिसिटी ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, दे विल शो पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटिंग बिहेवियर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय देम, ठीक है, ओके. सो वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये तीन चीजें हैं देखो, ठीक है, जिनमें पीरियोडिसिटी आपको दिखेगी. एक हो गई आपकी वैलेंसी,
एक हो गया आपका एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, ठीक है. ओके सो लेट्स लुक एट दिस. ओके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8. तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, दे विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8. ठीक है. सो एलिमेंट्स ये हो गया सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्सेनिक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गए ये भाई साहब, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गॉन. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड. नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 और ये हो गया आपका 8. द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड हैज 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड, ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर आप देखोगे ये पीरियड है, कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, ठीक है. सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गॉन, आपने कैसे सजाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, इसका 281 हो गया, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 282, 283, 14 को डिवाइड करो 284, 15 को डिवाइड करो 285, 16 को डिवाइड करो 286, 17 का 287 एंड 18 का 288. तो अगर आप देखोगे इनकी वैलेंसी क्या होती है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. सो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें कितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट हैज 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसका 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, और जो लास्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड हैज 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हर एक पीरियड में, ठीक है. जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका होगा 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड विल हैव 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके. नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज द एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. तो ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप 1 आपका लिथियम हो गया 2-1, सोडियम हो गया 2-8-1, पोटेशियम हो गया 2-8-1, तो आपके नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1. ऑन मूविंग डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम. तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब क्या होंगे, विल रिमेन द सेम. ऑन मूविंग डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम, ठीक है. Since all the elements in a group have similar electronic configuration, having the same number of valency electrons, they show similar chemical properties. तो इनकी भाई साहब chemical properties क्या हो जाएगी, similar. क्यों? क्योंकि इनके outermost orbit में एक ही valency electron है. तो ये क्या दिखाएंगे भाई साहब, इस electron को ये lose करने की tendency दिखाएंगे. If they are showing a tendency to do lose these electrons, so their chemical properties will be the same. ठीक है. Since all these elements in a group have similar electronic configuration, having the same number of valency electrons, they show similar chemical properties. How to find the group of an element in the periodic table from the number of valency electrons in its atom? The group number of elements having up to 2 valency electrons is equal to the number of valency electrons. If the number of valency electrons is 1, then group number kya ho jayega bhai sahab, 1. If the number of valency electrons is 2, then the group number is 2. Ye bahut important hai, theek hai. The group number of elements having up to 2 valency, देखो, the group number of elements having up to 2 valency electrons is equal to the number of valency electrons. दो तक के जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इफ द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज 1, देन द ग्रुप नंबर इज 1. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 हुआ, देन द ग्रुप नंबर इज 2. द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, ठीक है. सो इफ द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज 3, देन द ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 + 10, 13, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज 4, देन द ग्रुप नंबर इज 4 + 10, दैट इज 14, ठीक है, ओके. 7, तो कितना हो जाएगा, 7 + 10, दैट इज 17. There is, however, an exception to this rule. The noble gas helium has 2 valency electrons in the K shell, but the group number is 18. सिर्फ एक ही exception है. Noble gas जो helium होता है, उसके 2 electrons है. However, it belongs to group number 18, क्योंकि group number 18 में आपके सारे noble gases हैं. ठीक है? Okay.
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज के एल एम दैट इज 286. ठीक है, वॉट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एक्स इन द पीरियोडिक टेबल. भाई साहब ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ग्रुप नंबर इसका कितना हो जाएगा, 16. ठीक है, इट विल बी 16. वॉट इज द पीरियड नंबर ऑफ एक्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियड कौन डिसाइड करेगा, कितने शेल्स हैं, तीन शेल्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड हो जाएगा. दिस विल बी बिलोंगिंग टू द सॉरी फर्स्ट 281 फर्स्ट पीरियड हो जाएगा ना भाई साहब, फर्स्ट पीरियड में एक, सेकेंड हाँ ये थर्ड पीरियड हो जाएगा, दिस विल बी थर्ड पीरियड. ग्रुप नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, 16. वॉट इज द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एक्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब, 6. वॉट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, तो दिस विल बी 2. इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल, डेफिनेटली एक नॉन मेटल हो जाएगा. ठीक है, नॉन मेटल हो जाएगा. एनी एटम विच हैज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली अ नॉन मेटल. ठीक है, क्लियर है. So what is the group number of X in the periodic table? So from the above given electronic configuration, we find that element X has 6 valency electrons in the outermost shell. So the group number of element X in the periodic table is 6 plus 10, that is 16. What is the period number? ठीक है, आपके तीन shells हैं. Element X has 3 electrons in 3 shells, that is K, L and M in its atom. So the period number of X is 3, that is X belongs to the third period of the periodic table. What is the number of valency electrons in the atom of X? How many valency electrons? 6. ठीक है, element X has 6 valency electrons. ठीक है, okay. What is the valency of X? इसको कितने electrons चाहिए अपने octet को complete करने के लिए? 2. So it will be, since element X has 6 valency electrons, so it needs 2 more electrons to complete its octet, 8 electrons in valency shell and become stable. Thus the valency of X is 2. Is it a metal or a non-metal? किसी element के outermost orbit में अगर 3 electrons से ज़्यादा होते हैं तो it will always be a non-metal. यहाँ पे कितने हैं, 6. ठीक है, so is it a metal or a non-metal? The element of group 16 are non-metals. So X basically क्या हो जाएगा आपका, non-metal. Clear हम भाई साहब. Fifty-one.